मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर जिस तरीके से विवादित टिप्पणी देखने को मिली है और बयानबाजी उस पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब एमएलसी ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर ये कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की कि उनसे समाज के एक बड़े तबके का जाति वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। इसके बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार भी किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और रामगोपाल यादव को जवाब देना चाहिए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में एक बड़ा नेता बनने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। सपा ने हमारी धार्मिक गतिविधियों को बाधित करने की कोशिश की थी। भूपेंद्र चौधरी ये भी कहते नजर आए कि इस तरह के बयान तो कोई विपक्ष ही दे सकता है, यानी कि सपा को यह तय करना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान पार्टी का आधिकारिक बयान है या नहीं। मौर्य ने यह बयान दिया कि उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, ये निंदनीय है, उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते तो सपा नेतृत्व को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एमएलसी ने बातचीत में ये कहा कि धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता के कल्याण और उसकी मजबूती से है। अगर रामचरितमानस की किन्हीं पंक्तियों के कारण समाज के एक वर्ग का जाति वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है तो यह निश्चित रूप से धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों में कुछ जातियों जैसे कि तेली और कुम्हार का नाम लिया गया है। इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। इसी तरह से रामचरितमानस की एक चौपाई ये कहती है कि महिलाओं को दंड दिया जाना चाहिए। तो हम इन सारी बातों को लेकर अलग अलग नेता क्या कुछ कहते नजर आए हैं, ये चलिए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है, तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है, तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। जिस प्रकार से करोड़ों सनातनियों का अपमान लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उनके जैसी सोच के लोग कर रहे हैं, हमारे प्रभु श्री राम पर लिखे गए श्री रामचरितमानस पाठ का अपमान कर रहे हैं। पूर्व में भी रामायण को इन्होंने जलाया था, हम सब उनको बताना चाहते अपनी हैसियत में रहें। अखिल भारत हिंदू महासभा कल इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और इनको बताएगी क्या है तुम्हारी हैसियत। चंद रुपया ज्यादा कमा लेने से बसपा सरकार में भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार में रह के अपना शान शौकत बनाई और अब समाजवादी पार्टी में जाकर जिस प्रकार से लगातार एक धर्म विशेष के खिलाफ ये आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, इनको अपनी हद में रहना होगा। और समाजवादी पार्टी को भी इसमें आगे आकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्या उनकी भी सोच यही है। और सुप्रीम कोर्ट को भी इसको स्वतः संज्ञान लेकर के देश के सनातनियों को सम्मान उनका बचा के रखने के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र की सरकार को आगे आना चाहिए, योगी सरकार को उनपे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रामचरितमानस का है सवाल है, वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूं कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस
के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस जहाँ परिवार को कैसे साथ लेकर के चलना है, भाइयों के प्रेम की बात करता है, पति और पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति त्याग क्या होता है, माता और पिता के साथ क्या रहता है, अपनी जो जनता है उसके प्रति क्या प्यार और भावना होनी चाहिए। और रामचरितमानस की ही एक चौपाई में लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वरदी देखें जैसा। अब ये देखने की अलग अलग बात है। हम सम्मान तो बाइबल का भी करते हैं, हम सम्मान कुरान शरीफ का भी करते हैं, हम सम्मान गुरु ग्रंथ का भी करते हैं। ये भारत है जिसमें विभिन्न धर्म और जात वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम इन सारे ग्रंथों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं सारे ग्रंथ सबको साथ लेकर के चलने का, सबको सम्मान देने का और सब में प्यार और ममता भरने की बात करते हैं। और सबरी कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है। अगर आप इसी रामचरितमानस में जाएं और उस काल में आए जब भगवान प्रभु राम सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी ने अपने उनको झूठे बैर उनको खिलाने का काम किया और कितने प्रेम और स्नेह से उन्होंने खाने का काम किया। मैं समझता हूं ये भी एक समाजवादी की परिकल्पना रही है कि जब छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, जात छोटी बड़ी, जात छोटी, इन सबको दरकिनार करके एक वर्णन रामचरितमानस में इस बात का भी है। तो रामचरितमानस एक आकाट सच हम सबका ग्रंथ है और मैं समझता हूं कि हम सभी लोग रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सभी जो धर्म है उनके ग्रंथ हैं उनके प्रति हम सब श्रद्धा रखते हैं, मैं यही कह सकता हूँ। तो कहते इस ग्रंथों के आधार पर भगवान राम के उस वर्णन का, जब कभी आत्मबाल सखा थे निषाद राज जो राजमारा और किला है निषाद राज का किला, यूनेस्को डिपार्टमेंट ने और पुरातत्व विभाग ने उसकी खुदाई कराई, 3 किलोमीटर किला है, जो मेरे समुदाय का जो उस ग्रंथों के आधार पर एक इतिहास मिला हुआ है जिसको इन लोगों ने 37 वर्ष पहले खुदाई हुई पता नहीं चलने दिया, जंगल में था, आज मंगल हो गया, भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति गले लग रही है कि वो त्रेता में कभी गले मिले, रावण राज मतलब दुख का राज खत्म किया, तो फिर ये सेना बना रहे निषाद कि कछुआ समुदाय की इस युग का जो दुख देने वाला राज है उसको खत्म किया जाए। तो आज के दिन में ऐसे सभी लोग छटपटा रहे हैं जिनसे निषाद आगे हो गया, अब उसको इसी तरीके से उल्टा पुल्टा निषादों मछुआरों को गुमराह करना चाहते हैं कि 26 मार्च को इस बार पंचमी पड़ती है, हर साल मैं मेला लगाता हूँ लाखों लाख, इस बार कई लाख लोग आएंगे और वहाँ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने निमंत्रण रखा कि आपने गले लगे मूर्ति लगाइए उसका अनावरण करें। तो सारा मुद्दा यह है कि मछुआ समुदाय इसमें भ्रमित हो जाए कि रामायण से मुख करे और निषाद राज के किले की तरफ अपना मुख न करे, कि जो राग पाठ लेने के लिए उनके अंदर जो चेतना जगी है और उसकी चेतना से वजह से इन लोगों का बटन छूना बंद कर दिया, अभी जीरो होने की वजह से सरकार में, और जिसको जनता ने खुद ही नकार दिया हो, वोट नहीं दिया हो, उनको आवाज़ बंद कर दिया हो, तो उनके बाद हम जवाब तो नहीं देना चाहिए।